पेट एडॉप्ट करना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है जिससे हमारा डॉग अच्छे क्वालिटी में ग्रोथ करे। दोस्तों, देव डॉग केयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पेट ओनर्स हैं, पेट लवर्स हैं या पेट एडॉप्ट करना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है जिससे हमारा डॉग अच्छे क्वालिटी में ग्रोथ करे। दोस्तों, बहुत रिसर्च के बाद पता चला है कि बहुत रिसर्चों के बाद पता चला है हमें कि ह्यूमन के बेबी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार पपी में 12 गुना की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, या पेट ओनर्स से रिक्वेस्ट है, पेट लवरों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ उन्हें पता नहीं होता है। वो तो ये सोचते हैं कि चलिए अच्छा, दूध जहाँ से पेट एडाप्ट करते हैं उन्हें वहाँ से बताया जाता है कि इसको दूध रोटी खिला दीजिए, दही चावल दीजिए, यही इनका प्रॉपर न्यूट्रिशन है। जब उन्हें पता नहीं होता है तो क्या जानेंगे, क्या बताएंगे? पपी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। और जब इसको प्रॉपर खोजने के बाद, रिसर्च के बाद पता चला है कि कितने से कितने मात्रा में इनको ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमन की बेबी 21 साल में एडल्ट होते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की धीरे धीरे आवश्यकता होती है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में होती है। और डॉग के पपी को 1 साल में ये एडल्ट हो जाते हैं, तो इनको ह्यूमन की अपेक्षा जस्ट 12 गुना की आवश्यकता होती है। तो पेट ओनर्स, पेट लवर तो यह सुनकर उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि उनका ग्रोथिंग का 1 साल में वो एडल्ट होते हैं और ह्यूमन 21 साल में एडल्ट होते हैं। यही रीजन है, मतलब कि ह्यूमन की अपेक्षा इन्हें जस्ट 12 गुना कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कुछ सप्लीमेंट कितने से कितने अमाउंट में देना चाहिए, कितने मात्रा में देना चाहिए, ये चीज़ पेट ओनर्स, पेट लवर्स को पता नहीं होता है। जैसे ह्यूमन की तुलना में डॉग को कैल्शियम 12 गुना की आवश्यकता होती है। कितना होती है? 12 गुना की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन 4 गुना की आवश्यकता होती है डॉग में, और विटामिन ए 2.5 गुना की आवश्यकता होती है, और विटामिन B2 2 गुना की आवश्यकता होती है।
ठीक उसी प्रकार विटामिन डी 5 गुना की आवश्यकता होती है डॉग में, ताकि उसका ग्रोथ, कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, विटामिन ए की कमी ना हो, इसलिए इतना प्रॉपर डोज इसका रहता है। विटामिन ए की कमी जब होती है इनका हेयर कोट बहुत अच्छा नहीं होता है, बाल बहुत अच्छे से नहीं निकलते, शाइनिंग नहीं होती है उसमें, खूबसूरत नहीं लगते हैं, तो उलझे उलझे से लगते हैं, ऐसा रूखा रूखा से लगता है इनका बाल, और उनकी खून की समस्या भी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छा से नहीं हो पाता है, घाव कहीं चोट लग जाती है उन्हें तो घाव भरने की समस्या आती है, और विटामिन डी की जब कमी होती है उन्हें तो पता चला कि पैर टेढ़ा हो रहा है, गांठ गांठ उभर गए हैं पैर में, और ज़्यादा मात्रा में जब कमी होती है तो रोग हो जाते हैं। दोस्तों, पेट ओनर्स, पेट लवर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, जब पपी को पाल रहे हैं तो अच्छे प्रकार से उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना चाहिए, ताकि उनका ग्रोथ प्रॉपर रूप से अच्छा हो। हम यही चाहते हैं कि जिस पर्पज से आप रख रहे हैं, पता चला कि अच्छा से न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हम नहीं दे रहे हैं, पता चला मेरा डॉग जितना बड़ा होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, डॉग करीब अच्छा से न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट अगर उसको मिल रहा है 6 से 7 मंथ में अपने मदर फादर के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ वाला जो सिस्टम है साल भर के बाद नहीं होता है, साल भर में वो जब एडल्ट होते हैं तो उसके बाद खाली मोटाई मोटे होते रहते हैं, तो जितना अच्छा सा जैसे बेबी स्टेज में आप न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देते हैं तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, 3 महीने में लगना चाहिए कि काफ़ी आदि उनकी हाइट खींच कर जाना चाहिए उनके एडल्ट का, लेकिन इतना बताने के बाद पेट ओनर्स, पेट लवर्स अगर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट अच्छे प्रकार से नहीं दे रहे हैं, नहीं उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो अच्छा सा ग्रोथ नहीं होगा, तो पता चला कि पालने का कोई मकसद नहीं होगा। जिस पर्पज से हम उसको पालते हैं सुंदर भी नहीं लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा से नहीं लगेगा, और हाइट भी खींच कर नहीं जाएगी। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए अच्छे प्रकार के न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, सुनें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पपी को दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।